हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ चंदन कुमार सिंह। ये थर्मोडायनेमिक्स का 17th पार्ट है। लास्ट पार्ट में डिस्कस किए थे अपने क्वेश्चन नंबर 332 तक, क्वेश्चन नंबर 333। इट इज नॉट पॉसिबल टू लिक्विफाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को लिक्विफाई करना पॉसिबल नहीं है एट रूम टेम्परेचर पर बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। ऐसा क्यों होता है कि किसी भी गैस को अगर हम लिक्विफाई करना चाहेंगे, लिक्विफाई लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, उसका टेम्परेचर हमको कम करना होगा, टेम्परेचर कम करना होगा और उसका प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो क्या होता है कि वो लिक्विफाई हो जाता है। लेकिन हाइड्रोजन के साथ ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है तो वो थोड़ा देख लेते हैं इसको। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस कह रहा है, सब्सटेंस विच आर इन गैसियस स्टेट, सब्सटेंस जो गैस है, गैस जो है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर है, उसको क्या करना है, कन्वर्टेड इन द लिक्विड स्टेट, उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है, उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है। इफ़ दे आर सफिशेंटली कूल्ड, तो सबसे पहले लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, गैस है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमको सबसे पहले इसको कूल करना पड़ता है, कूल करना पड़ता है। एंड साइमल्टेनियसली लार्ज प्रेशर ही अप्लाई टू द गैस, और साथ साथ उसमें हम लार्ज प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा उस गैस पे, तब जा कर के वो क्या होगा, वो लिक्विफाइड हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस फर्स्ट बिगिन इन 1823 बाई द फेराडे। फेराडे किया क्या था कि फेराडे जो किया था इसमें, वो फेराडे लिया था क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन को लिक्विफाइड किया। इसमें किया कि सबसे पहले उसको कूल किया, और कूल किया बिलो द रूम टेम्परेचर, बिलो रूम टेम्परेचर, एंड अप्लाई प्रेशर, प्रेशर अप्लाई किया, तो पाया क्या कि वो क्लोरीन तो आपका लिक्विफाई हो गया, लेकिन फेल टू लिक्विफाई द गैस ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन को वो लिक्विफाई नहीं कर पाया। उसको पहले ठंडा किया, और ठंडा करने के बाद उसने प्रेशर अप्लाई किया तो वो पूरा पूरा लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ। एट वेरी लो टेम्परेचर -110 डिग्री सेल्सियस पे उसको ठंडा किया, और ठंडा करने का प्रेशर अप्लाई किया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो वो कंक्लूड, इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि ये जो गैस है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, इसको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन 1863 में एंड्रू कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसको एंड्रू का एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं हम लोग। उसमें क्या किया गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले कूल किया बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उस क्रिटिकल टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर पर उसको कूल किया, और कूल करने के बाद उसको प्रेशर अप्लाई किया तो लिक्विफाइड हो गया। तो इससे ये पता चला कि वो बताया हमको कि किसी भी चीज़ को कूल करना है बिलो द क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट से कम टेम्परेचर पर कूल करना है, तब प्रेशर अप्लाई करना है, तब जाकर के वो चीज़ जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन हीलियम का ये है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल टेम्परेचर -118 डिग्री सेल्सियस फॉर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के लिए -147, हाइड्रोजन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर वो बहुत ही कम है -240 डिग्री सेल्सियस, और हीलियम का -268 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। टेकिंग इनटू अकाउंट पिक्टेट इन 1877 सक्सीडेड टू लिक्विफाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लिक्विफाई करने में वो उसको प्रोग्रेस सफलता हासिल हुआ। तो पिक्टेट क्या किया कि वो कैस्केड सिस्टम एक स्टेप वाइज कूलिंग सिस्टम को हम लोग कैस्केड सिस्टम कहते हैं, जिसमें स्टेप वाइज हम कूल करते हैं किसी भी चीज़ को। ऑक्सीजन को वो क्या किया, कूल किया स्टेप वाइज, और स्टेप टू स्टेप इवापोरेशन करके उसको कूल किया, और तब जाकर जब उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन से कम हो गया, तब वहाँ प्रेशर अप्लाई किया, तो जाकर के वो क्या हो गया, लिक्विफाई हो गया। लेकिन ये कैस्केड प्रोसेस भी फेल हो गया, लिक्विफाइड नियॉन हाइड्रोजन वगैरह और हीलियम को भी वो कैस्केड प्रोसेस से भी कूल नहीं किया। तो उसके लिए उसको बाद में जब जूल केल्विन इफेक्ट आया मार्केट में, जूल केल्विन इफेक्ट जो कि हम पढ़े हैं, जूल केल्विन इफेक्ट हम लोग लास्ट क्लास में भी देखे थे, पी वर्सेस टी का डायग्राम था, इस तरह का डायग्राम हमको डिफरेंट डायग्राम मिला था। इसमें आप नोटिस किए होंगे कि प्रीवियसली ये जो एक पर्टिकुलर ग्राफ था, इस पर्टिकुलर ग्राफ में यहाँ से कूल करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कूल करते हैं हम लोग। तो इसमें जब जूल केल्विन इफेक्ट आया 1853 में,
तो इट बिकम्स ईजी टू लिक्विफाइड लाइक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ईजिली लिक्विफाई कर दिया गया क्योंकि उसमें ठंडा किया जाता है एक्सटर्नल कोलेंट की मदद से। हीलियम लिक्विड हाइड्रोजन इवेपोरेटिंग अंडर रिड्यूस प्रेशर एंड प्री कूलिंग एजेंट की मदद से, प्री कूलिंग एजेंट की मदद से उसको कूल किया जाता है बिलो द क्रिटिकल पॉइंट और तब जाकर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, तब जाकर वो लिक्विफाई होता है। तो लिक्विफाई करने के लिए दो बात है, एक तो पहले ठंडा करना है, कूल करना है बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, और उसके बाद प्रेशर अप्लाई करना है। तो ऐसा करने से लिक्विफाई होता है। तो अगर हम उसके बात करें क्वेश्चन का, इट इज नॉट पॉसिबल टू लिक्विफाई हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को लिक्विफाई करना पॉसिबल नहीं है रूम टेम्परेचर पर बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, क्योंकि इट्स अ क्रिटिकल टेम्परेचर इज लोअर देन द रूम रूम टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो रूम टेम्परेचर से बहुत ही कम होता है, अप्रोक्स 250 -250 डिग्री सेल्सियस का क्रिटिकल टेम्परेचर होता है हाइड्रोजन का। तो ये रूम टेम्परेचर से बहुत ही कम है, तो इसको एक्सटर्नल कूलेंट के मदद से इसको पहले ठंडा कर लेते हैं पूरा, हम क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर तक इसको कूल करते हैं, फिर प्रेशर अप्लाई करते हैं, तब वो लिक्विफाई होता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विफाई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 334। ऑल गैसेस बिहेव्स आइडियल, ऑल रियल गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस एज वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ये आपको याद रखना है, वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे ऑल रियल गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस। और उस रियल गैस के लिए, कोई एक रियल गैस है एटमोसफेयर में, तो इस रियल गैस के लिए आप आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हो। कब? जब प्रेशर बहुत ही लो होगा और टेम्परेचर बहुत ही हाई होगा, टेम्परेचर आपका हाई होगा, तब आप रियल गैस में आप आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हो, क्योंकि एट वेरी लो प्रेशर, बहुत ही लो प्रेशर पर, उसमें बहुत ही लो प्रेशर पर जो मॉलिक्यूल्स होता है उसका जो मास होता है वो पॉइंट मास होता है, दैट मीन दोनों के बीच कोहेसिव फोर्स नहीं होता है, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच कोहेसिव फोर्स एब्सेंट होता है, और तब जा करके हम लोग लगा सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन रियल गैस के लिए। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि आइडियल गैस जो होता है, रियल गैस जो होता है, उसमें हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे। ये आपको ध्यान रखना है, आइडियल गैस इक्वेशन ये है ये रियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए प्रेशर जब लो हो और टेम्परेचर जब हाई हो तब ओबे द इक्वेशन ऑफ स्टेट, या आइडियल गैस इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो कह रहा है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। डीजल साइकिल इज मोर इफिशियंट देन ऑटो साइकिल, मतलब इफिशियंसी ऑफ डीजल इज मोर इफिशियंट देन इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो, फॉर ए गिवन कंप्रेशन रेशियो। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है? इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल एट द सेम कंप्रेशन रेशियो। जब रहेगा तो सेम कंप्रेशन रेशियो के केस में इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल, और इसलिए ऑप्शन नंबर बी, इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल। और पहले भी देख चुके हैं हम कि जब कंप्रेशन रेशियो आपका सेम हो तो उस केस में एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल, ये हम देख चुके हैं पहले, इसलिए इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एनटीपी। आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वेलोसिटी के लिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एनी गैस, चाहे हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, किसी भी गैस के लिए आरएमएस वैल्यू का, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ आरएमएस इक्वल रूट अंडर 3 RT/m। 3 जो है वो 3 है, R भी द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट के लिए उसका वैल्यू होता है वो होता है 3.8.314 × 10⁻³। टी विद टेम्परेचर, एटमोस्फेरिक टेम्परेचर लेना है, दैट मीन रूम टेम्परेचर जो है अप्रोक्स हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं, तो वो 293 डिग्री सेल्सियस हो गया। और एम, हाइड्रोजन का मॉलिकुलर वेट जो होता है वो 2 होता है, तो डिवाइड करेंगे 2 तो मेरे को मिलेगा 1911 मीटर पर सेकेंड। अगर यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में अगर ऑक्सीजन होता तो यहाँ पर मॉलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो मॉलिकुलर वेट होता है वो 32 होता है, तो यहाँ 32 रखते हैं और जो भी आंसर आता वो आपका भी आरएमएस हो जाता। तो ये ध्यान रखना है 1911 मीटर पर सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 337। मॉलिक्यूल्स इज डिफाइंड एज, मॉलिक्यूल्स का डिफिनेशन सबको पता है,
मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए आप कोई सब्सटेंस आप कंसिडर कीजिए, जैसे कि मान लीजिए नमक हम कंसिडर कर रहे हैं, NaCl, NaCl एक मॉलिक्यूल है नमक का। तो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट बाई इट सेल्फ इन केमिकली रिकॉग्नाइज फॉर्म, इस केमिकली रिकॉग्नाइज फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, तो एलिमेंट के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को, एलिमेंट के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं एटम, और कंपाउंड के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स को हम ये जो मॉलिक्यूल्स है वो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट बाई सेल्फ, ये एग्जिस्ट बाई इट सेल्फ। जैसे हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, H2O एक मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल है ये, अगर सिर्फ हाइड्रोजन लिखते हैं तो ये एटम है, ये हाइड्रोजन एटम प्लस दूसरा हाइड्रोजन एटम दोनों मिल करके हाइड्रोजन H2 बनाया, H2 एक मॉलिक्यूल्स है जो कि इसी फॉर्म में रहता है। तो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ द कंपाउंड इज नोन एज मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट एटम, एटम क्या होता है, एटम जो होता है एलिमेंट के छोटे पार्ट को एटम कहते हैं, जिसको स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट मेड अप फॉर माइन्यूट ऑफ केमिकली इंडिविजुअल पार्टिकल, मतलब ऑप्शन नंबर बी, एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग एटम बोलते हैं। कोई एक एलिमेंट है तो एलिमेंट हम कोई भी एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं, मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। तो एटम हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारा एटम है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या होता है, सब्सटेंस विच हैज नॉट बीन रिजॉल्व इनटू सिंपलर फॉर्म, वैसा सब्सटेंस जिसको सिंपलर फॉर्म में रिजॉल्व नहीं कर सकते, मतलब तोड़ नहीं सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो एलिमेंट है। सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिकम्पोज, डिकम्पोज तोड़ा नहीं जा सकता है, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट के छोटे पार्टिकल को हम एटम बोलते हैं। तो एलिमेंट, एलिमेंट जो होता है विच हैज़ नॉट बीन रिजॉल्व इनटू सिंपलर फॉर्म, अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हम एक एलिमेंट भी बोलेंगे, और इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा वही हाइड्रोजन ही होगा। तो हाइड्रोजन के स्मॉलेस्ट, एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम एटम बोलेंगे। तो ये आप लोगों को पता होगा केमिस्ट्री में, यहाँ पे एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर ये सब पता है। नेक्स्ट है वर्क डन, वर्क डन ड्यूरिंग ए प्रोसेस कैन बी डिटरमाइंड बाई PdV, वर्क डन अगर PdV है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्वासी स्टैटिक बोलते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। मैकेनिकल वर्क इज ऑफ डिफरेंट टाइप, पहला है जो डिस्प्लेसमेंट वर्क या PdV वर्क, इसको डिस्प्लेसमेंट वर्क भी बोलते हैं हम लोग या PdV वर्क बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट और PdV वर्क टेक्स प्लेस बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम बाउंड्री इन क्वासी इक्विलिब्रियम या रिवर्सिबल प्रोसेस। क्वासी इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्मॉल स्मॉल प्रोसेस से मिलकर, स्मॉल स्मॉल स्टेप वाले प्रोसेस से मिलकर बना है टोटल प्रोसेस, तो इसको बोलते हैं क्वासी इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें लॉसेस नहीं हो, उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम बाउंड्री, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सिस्टम बाउंड्री इन क्वासी स्टैटिक मैनर, मतलब स्लोली, क्वासी स्टैटिक मीन स्लोली स्लोली स्लोली, ताकि आपका जो है लॉसेस नहीं हो, फ्रिक्शन में लॉसेस नहीं हो। फॉर द टाइम बिंग आप ये मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि एक आपके पास सिलेंडर है, दिस इज सिलेंडर, ये एक पिस्टन रखा हुआ है, इसके ऊपर एक और वेट रखा हुआ है, इसके ऊपर एक और वेट रखा हुआ है, इसके ऊपर एक और वेट, इसके ऊपर एक और वेट। अगर मान लीजिए कोई वेट इसके ऊपर नहीं लगा होता और यहाँ पर गैस होता, यहाँ पर हीट हम देते, तो सारा वेट को अगर हम हटा दें एक बार में, है ही नहीं, तो पिस्टन क्या होगा, ये पिस्टन सीधे ऊपर चला जाएगा। मतलब यहाँ पर लॉसेस, बाउंड्री में जो लॉसेस होगा यहाँ पर, वो लॉसेस फ्रिक्शन में बहुत ज़्यादा होगा। तो उस पर्टिकुलर केस में लॉसेस बहुत ज़्यादा होगा, तो उसको हम बोलेंगे कि वो फ्रिक्शन वाला इरिवर्सिबल प्रोसेस है, दैट मीन्स लॉसेस को रिकवर नहीं किया जा सकता है। इससे बचने के लिए हम लोग करते क्या है कि जो प्रोसेस है, पिस्टन को यहाँ से यहाँ जाना है तो ठीक है, जाएगा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन स्लोली जाएगा। पहले एक वेट हटाएंगे तो थोड़ा सा ऊपर गया, फिर दूसरा वेट हटाए फिर थोड़ा सा और ऊपर गया, तीसरा वेट हटाए थोड़ा सा और ऊपर गया, चौथा वेट हटाए थोड़ा सा और ऊपर गया। मतलब धीरे धीरे जब ऊपर जाता है तो लॉसेस जो यहाँ पर होता है वो बहुत ही कम होता है, निग्लिजिबल होता है। और जब लॉसेस बहुत ही कम होगा तो हम डायरेक्टली वर्क डन निकाल लेंगे। वर्क डन मतलब कितना वर्क डन यहाँ पर कर रहा है वो आपको पता है, क्योंकि पता क्यों पता है, क्योंकि आपको जब स्लोली एक वेट, मान लीजिए एक वेट हटाए हो यहाँ से, एक वेट हटाए तो पिस्टन यहाँ से यहाँ चला गया, पिस्टन यहाँ से यहाँ गया, तो इस वक्त का प्रेशर आपको पता है कि ऊपर से कितना प्रेशर लग रहा है और नीचे से कितना प्रेशर लग रहा है, दोनों का प्रेशर आपको पता है क्योंकि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो प्रेशर आप वहाँ नोट डाउन कीजिएगा, फिर एक वेट और हटाइएगा,
एक वेट और हटाइएगा तो पिस्टन थोड़ा सा मेरा और ऊपर जाएगा, तो उस वक्त ऊपर से प्रेशर जो लग रहा है सो पता है, नीचे से प्रेशर लग रहा है वो भी पता है, मतलब वहाँ का P2 भी पता है मेरे को, सिमिलरली P3 भी पता है, P4 भी पता है, स्टेप वाइज हर एक प्रेशर हमको पता है, प्रेशर एग्जैक्ट स्टेट पॉइंट मेरे को पता है, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर केस में लॉसेस मेरा बहुत ही कम हो रहा है क्योंकि स्लोली पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अगर हम वेट निकालने की कोशिश करें, दैट मीन फोर्स निकालने की कोशिश करें, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो वेट एक फोर्स है, तो फोर्स कितना मिलेगा, प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर पी ये है लग रहा है पी जो कि नोन है, और एरिया इस पिस्टन का जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया वो एरिया ए है, तो पी इंटू ए आपका वेट निकल गया। वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसको डेल्टा जेड हम बोल रहे हैं, तो वर्क डन जो मिला आपको पी इंटू ए इंटू डेल्टा जेड, पी इंटू ए इंटू डेल्टा जेड, एरिया इंटू डेल्टा जेड को हम डी वी बोल सकते हैं, छोटा सा वॉल्यूम बोल सकते हैं डी वी, इस चीज़ को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं वन से लेकर टू पोजीशन तक, पूरा वन से लेकर के फाइनल पोजीशन तक पहुंच गया, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना वर्क डन हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं वर्क डन को पी डी वी, पी डी वी, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वासी स्टैटिक वर्क या डिस्प्लेसमेंट वर्क। अब क्वासी इक्विलिब्रियम क्या होता है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वेन वी रिमूव द वेट वन, फर्स्ट वेट हटाए, देन वी नो द एग्जैक्ट प्रेशर एंड टेम्परेचर, एंड अगेन रिमूव द वेट टू, देन वी नो द एग्जैक्ट प्रेशर एंड टेम्परेचर प्रॉपर्टी, एट ईच एंड एवरी पॉइंट वी नो द एग्जैक्ट स्टेट पॉइंट प्रॉपर्टी, और सच ए स्लो प्रोसेस इज नोन एज क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस इन विच लॉसेज आर वेरी स्मॉल। अब लॉसेज बहुत ही कम होगा तो इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्क के नाम से भी जानते हैं या रिवर्सिबल वर्क के नाम से भी जानते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंतर्गत ही आता है। तो इसलिए थर्मोडायनेमिक्स में बहुत बड़े बड़े प्रोसेस को डिकम्पोज कर दिया गया छोटा 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 प्रोसेस में, ताकि जो मेरे लॉसेस है वो कम हो, लॉसेस मेरा मिनिमाइज हो, और लॉसेस जब कम होगा दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि वो जब लॉसेस बहुत कम है तो वो रिवर्सिबल रिवर्सिबल वर्क के नज़दीक है, रिवर्सिबल वर्क दैट मीन्स लॉसेस बहुत ही कम है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 341 कह रहा है ड्यूरिंग प्रोसेस ऑन क्लोज सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम है मेरे पास, एक क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होता है, क्लोज सिस्टम का मतलब ये होता है कि इसमें मास जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, मास नॉट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र नहीं करेगा, एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करेगा, तो एनर्जी हीट के फॉर्म में भी ट्रांसफ़र कर सकता है, वर्क के फॉर्म में भी ट्रांसफ़र कर सकता है। अब कह रहा है ड्यूरिंग ए प्रोसेस ऑन क्लोज सिस्टम द इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज बाई ट्वाइस, इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीजेज बाई ट्वाइस, इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाता है ट्वाइस द यूनिट देन द हीट एडेड, हीट इसमें ऐड किए 5 किलो जूल, तो इंटरनल एनर्जी 10 किलो जूल हो गया, इंटरनल एनर्जी कितना हो गया 10 किलो जूल हो गया, हीट जो ऐड किए क्यू ऐड किए तो इंटरनल एनर्जी जो इसका बढ़ा वो 2Q बढ़ गया, तो ऐसा क्यों हुआ, तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर लगाएं भी तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर क्लोज सिस्टम के लिए आप जानते हो डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डी यू, डेल क्यू मान लीजिए आप क्यू दिए माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डी यू, डी यू 2Q के बराबर हो गया, तो डेल डब्ल्यू कितना मिला, जो भी डेल डब्ल्यू मिलेगा वो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस 2Q, क्यू माइनस 2Q मतलब माइनस क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू, मतलब कुछ ना कुछ वर्क ट्रांसफ़र हुआ होगा, वर्क ट्रांसफ़र हुआ होगा तभी तो इंटरनल एनर्जी डबल हो गया आपका। तो इस पर्टिकुलर केस में आप ये ध्यान दीजिएगा कि ड्यूरिंग अ प्रोसेस ऑन क्लोज सिस्टम इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस बाय ट्वाइस द हीट, ट्वाइस द यूनिट देन द हीट एडेड टू इट, जितना हीट ऐड हुआ उसे कंपेरिजन में ट्वाइस इंटरनल एनर्जी बढ़ गया, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, कुछ वर्क हुआ होगा, परफॉर्मिंग ऑफ सेफ्ट वर्क ऑन द सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 342, ए गैस इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग इक्वल मास ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दोनों का मास क्या है, इक्वल है, द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम में दोनों का रेशियो क्या होगा, दोनों को मिक्स किया गया, मिक्स किया गया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स किया गया, तो अगर हम बात करें कि नाइट्रोजन का मॉलिकुलर वेट जो होता है वो कैपिटल 28 होता है, ऑक्सीजन का मॉलिकुलर वेट होता है 32, दोनों का मास जो हम ऐड कर रहे हैं वो स्मॉल m, दोनों का मास सेम ऐड कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होता है वेट इन ग्राम बाय मॉलिकुलर वेट, वेट इन ग्राम m है, मॉलिकुलर वेट 28 है,
इसमें वेट इन ग्राम आपका एम है, मॉलिकुलर वेट 32 है, तो एम बाई 32। और हम ये भी जानते हैं कि एट एसटीपी और एनटीपी 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। 1 मोल जो होता है वो 22.4 लीटर, यहाँ कितना नंबर ऑफ मोल है तो एम बाई 28 नंबर ऑफ मोल है इंटू 22.4 लीटर। 1 मोल के लिए इतना, तो इतना मोल के लिए कितना, इतना इंटू 22.4 लीटर, ये आपका वॉल्यूम हो गया। नाउ सिमिलरली आप इसका भी वॉल्यूम निकाल सकते हो, एम बाई 32 ऑक्सीजन के लिए, एम बाई 32 नंबर ऑफ मोल इंटू दिस वॉल्यूम, ये भी मिल गया। अब वॉल्यूम का रेशियो भी चाहिए, तो रेशियो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन बाई वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन जो है आपका दिस मच, ऑक्सीजन जो है दिस मच, इसको जब आप कैंसिल आउट कीजिएगा तो 32/28 मिलेगा आपको, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन ए मिक्सर, किसी मिक्सर है, कोई एक मिक्सर है, कंपोनेंट है, इसमें बहुत सा गैस है, ए बी सी डी, 4 गैस है, टोटल प्रेशर इसमें जो है वो पी है, टोटल प्रेशर पी है। तो पार्शियल प्रेशर होता क्या है, तो पार्शियल प्रेशर मतलब इसका इंडिविजुअल कितना कंट्रीब्यूशन है टोटल प्रेशर पी में, तो इसका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है पी ए, इसका प्रेशर पार्शियल प्रेशर जो पी ए, इसका पार्शियल प्रेशर है पी बी, इसका पार्शियल प्रेशर है पी सी, और इसका पार्शियल प्रेशर है पी डी। सम ऑफ टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट इज द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का टोटल प्रेशर हो जाएगा, इसको बोलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसको बोलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो पार्शियल प्रेशर होता क्या है, द प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इटसेल्फ, कंपोनेंट का प्रेशर इटसेल्फ, जो भी कंपोनेंट है ए बी सी डी उसका प्रेशर को ही हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, इफ इट वॉज प्रेजेंट इन द एंटायर वॉल्यूम एट द सेम टेम्परेचर, एंटायर वॉल्यूम में सेम टेम्परेचर पर जब रहता है तो इसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल प्रेशर, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है सब्लिमेशन कर्व इन पी टी डायग्राम, पी टी डायग्राम लास्ट क्लास में दिखाए थे पी टी डायग्राम और ट्रिपल पॉइंट के केस में, तो पी टी डायग्राम में सब्लिमेशन कर्व का जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, तो स्लोप उसका पॉजिटिव होता है, वो हम लोग लास्ट क्लास में देखे भी थे, दिस इज पी दिस इज टी, ऐसा 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 होता है, ये 3 ग्राफ हम देखे थे, यहाँ सॉलिड था, लिक्विड था, गैस था, वेपर था। तो जो सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन ग्राफ जो है उसका स्लोप जो है पॉजिटिव है, इसका भी स्लोप पॉजिटिव है, इसका स्लोप आपको निगेटिव है, वाटर एक इसमें इसका स्लोप आपको निगेटिव दिख रहा है। वैसे फॉर द टाइम बिंग हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में, यह प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का डायग्राम, इसको हम ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, ये फ्यूजन कर्व कहलाएगा, ये सब्लिमेशन कर्व कहलाएगा, ये वेपोराइजेशन कर्व कहलाएगा। इसमें हम जानते हैं दिस पॉइंट को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, क्योंकि ट्रिपल पॉइंट में तीनों फेज को एग्जिस्ट करता है, सॉलिड लिक्विड और गैस, तीनों फेज इस पॉइंट पे को एग्जिस्ट करता है। तो पीटी डायग्राम में ये जो ये ट्रिपल पॉइंट है वो एक पॉइंट होता है, पीटी डायग्राम में क्या होता है पॉइंट होता है, और पीवी डायग्राम में एक लाइन होता है, ये आपको लास्ट क्लास में बताए थे। नाउ अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर केस में कि कितना टेम्परेचर पर, कितना टेम्परेचर पर ट्रिपल पॉइंट होता है वाटर का, वाटर का ट्रिपल पॉइंट कितना टेम्परेचर कितना प्रेशर पर होता है, तो प्रेशर हम लोग बताए थे 4.28 मिलीमीटर ऑफ एच जी, और टेम्परेचर बताए थे 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर था आपका 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी यहाँ बात पूछ रहा है कि स्लोप क्या होगा, तो सब्लिमेशन का स्लोप पॉजिटिव, वेपोराइजेशन का स्लोप पॉजिटिव, द स्लोप ऑफ सब्लिमेशन एंड वेपोराइजेशन कर्व ऑफ ऑल सब्सटेंस आर पॉजिटिव, हर एक सब्सटेंस का वो कर्व क्या होता है पॉजिटिव होता है। द स्लोप ऑफ फ्यूजन कर्व इज हाउएवर मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, फ्यूजन कर्व कभी कभी पॉजिटिव भी होता है कभी कभी निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव है वाटर एक इसमें, द फ्यूजन कर्व फॉर मोस्ट सब्सटेंस हैव पॉजिटिव स्लोप, मोस्ट सब्सटेंस के लिए कभी पॉजिटिव भी होता है निगेटिव होता है, इसलिए हम कह नहीं सकते पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा। वाटर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, वाटर में निगेटिव स्लोप आपको देखने को मिलता है, वाटर में निगेटिव देखने को मिलता है और बाकी में उसका डिफरेंट डिफरेंट में आपको पॉजिटिव स्लोप देखने को मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि सब्लिमेशन वेपोराइजेशन के केस में स्लोप जो होगा वो आपका पॉजिटिव स्लोप होगा, इसका स्लोप जो होगा पॉजिटिव स्लोप होगा, लेकिन फ्यूजन कर्व में आपको निगेटिव या पॉजिटिव दोनों देखने को मिलता है, वाटर के केस में इसका वैल्यू निगेटिव होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज द ट्रिपल पॉइंट, इसमें ये सब्लिमेशन कर्व कहलाएगा, ये वेपोराइजेशन कर्व कहलाएगा, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट
मतलब इस लाइन पर, इस कर्व पे लिक्विड और वेपर दोनों एग्जिस्ट करेगा, इस लाइन पे सॉलिड और गैस दोनों एग्जिस्ट करेगा, इस लाइन पे सॉलिड और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट करेगा, ये बात ध्यान रखना। इस साइड सॉलिड है, यहाँ लिक्विड है, यहाँ पर वेपर है। अगर सॉलिड से वेपर डायरेक्ट कन्वर्शन हो या वेपर से सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्शन हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर मान लीजिए कि सॉलिड है, सॉलिड से आपका वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ये आपको ध्यान रखना, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होना, दैट मीन सब्लिमेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, सब्लिमेशन, सॉलिड सब्लिमेशन ऑकर्स, सॉलिड टर्न्स डायरेक्टली इनटू द गैस। सॉलिड जब डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। इसमें क्या होता है कि सॉलिड जो है वो आपका गैस में कन्वर्ट हो रहा है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्टली। सॉलिड अगर गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए तो द इंटरमीडिएट एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम इंक्रीज होगा। सब्लिमेशन इज रेयर, सब्लिमेशन बहुत ही कम देखने को मिलता है, बहुत कम जगह देखने को मिलता है। एन एग्जाम्पल इज कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है वो टर्न्स डायरेक्टली इनटू गैस कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है, मिसिंग आउट द लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर पे जो लिक्विड स्टेट है वो मिस हो जाता है यहाँ पर, मतलब कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली गैस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये रेयर एग्जाम्पल है एक। हम लोग से पूछा किया गया था सब्लिमेशन कर्व ऑन पीटी डायग्राम पॉजिटिव। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड इनटू डायरेक्टली गैस स्टेट, सॉलिड स्टेट टू डायरेक्टली गैस स्टेट। द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन फाउंड टू ऑकर इन केस ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। द वेपोराइजेशन कर्व, वेपोराइजेशन कर्व इन पीटी डायग्राम स्लोप कैसा होता है उसमें पॉजिटिव होता है। फ्यूजन कर्व ऑन पीटी डायग्राम फॉर ऑल सब्सटेंसेस, ऑल सब्सटेंसेस, ऑल सब्सटेंस का क्या क्या कह सकते हैं, हर एक सब्सटेंस का ना पॉजिटिव होता है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों स्लोप शो करता है, इसलिए हम कह सकते हैं वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 350। 1 meter cube ऑफ मीथेन एंड 2 meter cube ऑफ ऑक्सीजन वुड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देता है तो उसका क्वान्टिटी क्या होगा मीटर क्यूब में बताना है आपको। तो 1 meter cube ऑफ मीथेन कंबाइंड विद 2 meter cube ऑफ ऑक्सीजन। अब पहले भी हम देखे थे इस तरह का क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, तो कार्बन का कितना एटम है यहाँ पर, तो 1 किलो मोल भी, 1 मोल भी बोल सकते हैं इसको, 1 किलो मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी एक मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मॉलिक्यूल्स है, बैलेंस इक्वेशन, इक्वेशन जो है बैलेंस है, तो हम इसको कह सकते हैं कि 1 किलो मोल ऑफ कार्बन 1 किलो मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 1 किलो मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं 12 kg ऑफ कार्बन 32 kg ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32 होता है, इसलिए 32 kg ऑफ ऑक्सीजन एंड 44 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपका बनाता है। तो 1 kg कितना बनाएगा, तो 1 kg जैसे यहाँ करेंगे तो 12 को यहाँ डिवाइड कर देंगे 32 / 12 और ये 44 / 12 इज इक्वल टू 11/3 kg। तो 1 kg इतना कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, 1 kg इतना कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए आपको कितना ऑक्सीजन जरूरत पड़ेगा, तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा 32 / 12 दैट मीन 8/3, इसको कैंसिल आउट कीजिएगा, 8/3 अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा, इतना केजी ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम मोल, मेरे मोल को लेके चलते हैं, 1 किलो मोल, 1 किलो मोल, 1 किलो मोल, ये भी 1 किलो मोल, 1 मॉलिक्यूल वन बनाता है। ठीक इसी तरह से हम लोग यहाँ से भी चलते हैं, अगर यहाँ पर मीथेन का बात कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है मीथेन, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा, हम पहले इसको बैलेंस कर लेंगे, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर। कार्बन कितना है, तो कार्बन 1 है, कार्बन 1 यहाँ भी है, मतलब एक इक्वेशन पूरी तरह बैलेंस हो गया मेरा, इक्वेशन जब बैलेंस हो गया तो यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन है, तो 1 किलो मोल, 2 ऑक्सीजन है, मतलब 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मॉलिक्यूल से, तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मॉलिक्यूल से वाटर का, तो 2 मोल ऑफ वाटर।
तो हम जानते हैं कि एट एसटीपी या एनटीपी वन मोल कंटेन्स 22.4 लीटर वॉल्यूम, 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर लीटर के फॉर्मेट में, अगर वॉल्यूम के फॉर्मेट में अगर हम लाने की कोशिश करें तो मेरे को क्या मिलेगा वो थोड़ा गौर कीजिए। वन मोल है तो 22.4 लीटर, टू मोल है तो 2 × 24.4, वन मोल है तो 22.4, टू मोल है तो 2 × 22.4। अगर हम डिवाइड कर दें हर एक में 22.4 से, तो वन लीटर दो लीटर के साथ रिएक्ट करके वन लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा एंड टू लीटर वाटर बनाएगा। तो कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वन लीटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू लीटर ऑफ वाटर, ये आपको ध्यान देना है। वन लीटर और टू लीटर मतलब कि लीटर के फॉर्मेट में, वॉल्यूम के फॉर्मेट में, मतलब मोल जो है मोल के फॉर्मेट में आप लीजिए। लीटर, वन लीटर इज 10⁻³ मीटर क्यूब। अगर मीटर क्यूब के फॉर्मेट में लीटर को माइनस मीटर क्यूब के फॉर्मेट में लिखिएगा तो हर एक को तो लीटर को माइनस थ्री के फॉर्मेट में लिखना होगा। हम जानते हैं वन लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो जहाँ पर लीटर है वहाँ 10⁻³ लिखिएगा, मीटर क्यूब फॉर्मेट में मिलेगा। दोनों तो डिवाइड कर दिए, सारा में डिवाइड कर दिए 10⁻³ से, 10⁻³ भी कैंसिल आउट होने के बाद फाइनली आपको तो रेशियो तो वही देने वाला है ना। तो वन लीटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू लीटर वाटर, वन लीटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू लीटर ऑफ वाटर। विच ऑफ फॉलोइंग इज कंपाउंड, इसमें फॉलोइंग में कंपाउंड कौन है, तो कंपाउंड वाटर दिख रहा है। बाकी जो दिखा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में है, ये भी पीरियोडिक टेबल में, ये भी पीरियोडिक टेबल में, हर एक पीरियोडिक टेबल में है। पीरियोडिक टेबल में जो है वो इसको एलिमेंट बोलते हैं, और दो एलिमेंट अगर डिफिनेट प्रोपोर्शन में आपस में मिले तो जो बनता है उसको बोलते हैं कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हेन वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड, जब वेपर लिक्विड में कंडेंस होता है, जब वेपर लिक्विड में कंडेंस होता है तो क्या होता है। यह है टी एस प्लॉट, टी टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी का प्लॉट है ये। यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे सॉलिड लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ लिक्विड वेपर है, यहाँ वेपर है, यहाँ पूरा वेपर है। ये कांस्टेंट प्रेशर का लाइन है, कांस्टेंट प्रेशर का लाइन है, ये कांस्टेंट प्रेशर का लाइन है। यहाँ पर आप देखिएगा दिस इज टू फेज रीजन, यहाँ पर लिक्विड और वेपर दोनों है, दैट मीन टू फेज, ये भी टू फेज रीजन है। आपसे पूछा जा रहा है कि जब वेपर कंडेंस होगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पर वेपर है, इस साइड जो है सुपर हीटेड वेपर है और यहाँ पर है लिक्विड। वेपर जब कंडेंस होगा, मतलब इस पॉइंट पे फर्स्ट कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ, फर्स्ट जब कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ, कंडेंस हो रहा है, तो उसका टेम्परेचर जो है उस कांस्टेंट है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो टेम्परेचर ना ही बढ़ता है ना ही घटता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। फिर नेक्स्ट बात आता है इसमें कि जब ये ऐसा होगा, जब ये कंडेंस होगा, तो ये कुछ ना कुछ मात्रा में हीट इवॉल्व करेगा, हीट यहाँ से बाहर निकालेगा। जब ये कंडेंस होता है तो हीट कुछ रिजेक्ट करेगा, ठीक है, इसमें हीट ऐड नहीं होता है क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो हीट रिजेक्ट होगा, हीट रिजेक्ट होगा। इंथैल्पी इस समय जो होगा, इंथैल्पी भी चेंज होगा आपका, इंथैल्पी जो होगा वो चेंज होगा, जैसे जैसे हीट आपका बाहर निकलेगा वैसे वैसे इंथैल्पी आपका चेंज होगा। तो इंथैल्पी आपका चेंज होगा, ये आपको ध्यान देना, इंथैल्पी कांस्टेंट रहने वाला नहीं है, इंथैल्पी चेंज होगा। तो अब आप क्वेश्चन में जाइए, आपसे पूछा ये गया है क्या होगा व्हेन वेपर कंडेंसेस इन लिक्विड, जब वेपर लिक्विड में कंडेंस होगा, टेम्परेचर राइज होगा, नहीं, टेम्परेचर फॉल होगा, फॉल भी नहीं होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा, हीट एब्जॉर्ब नहीं, हीट रिजेक्ट होगा। इंथैल्पी रिमेंस कॉन्स्टेंट, इंथैल्पी चेंज होता है, इंथैल्पी डिक्रीज होता है, हीट जब निकलता है तो इंथैल्पी घटता है, इसलिए कॉन्स्टेंट इंथैल्पी नहीं रहेगा।